दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देवेंद्र के बेटे ताकेश की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी अनिल जून को द्वारका जिले के स्पेशल स्टाफ ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से 6 राउंड गोलियां चली। इसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए, वहीं बदमाश अनिल जून के दोनों पैरों में गोली लगी। आरोपी ने बीते 7 अक्टूबर को नजफगढ़ के प्रेमनगर में ताकेश की हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन आरोपी अनिल फरार चल रहा था। 7 अक्टूबर 2021 को नंदू गैंग के एक शार्प शूटर अनिल जून ने दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देवेंद्र के बेटे ताकेश की दिनदहाड़े हत्या कर दी। इस वारदात को लेकर थाना छावला में FIR संख्या 485/21 अंडर सेक्शन 302/120B 34 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया था। DCP द्वारक ने इस वारदात को चुनौती के रूप में लिया और द्वारका जिले में गैंगवार को खत्म करने के लिए ऑपरेशन वर्चस्वा के नाम से अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चलाया। DCP द्वारका शंकर चौधरी ने बताया कि हत्यारोपी वांटेड क्रिमिनल को दबोचने के लिए जिले की स्पेशल स्टाफ को टास्क दिया गया। ACP विजय कुमार की सुपरविजन व इंस्पेक्टर नवीन कुमार के नेतृत्व में SI नारंग राम, SI राजीव त्यागी, SI विजेंद्र, SI जयबीर, SI उमेश, SI कृष्ण, हेड कांस्टेबल जितेंद्र, हेड कांस्टेबल अनिल, हेड कांस्टेबल राजकुमार, कांस्टेबल विपिन, कांस्टेबल कुलवंत और कांस्टेबल राजीव की एक टीम बनाई गई। टीम वांटेड क्रिमिनल को दबोचने के लिए सभी सस्पेक्ट स्थानों पर छापेमारी कर रही थी। मुखबिरों का जाल बिछाया। गिरफ्तारी से बचने के लिए क्रिमिनल भेष बदल कर बार बार अपने ठिकाने बदल रहा था। छानबीन के दौरान पता चला कि वांटेड क्रिमिनल कपिल सांगवान उर्फ नंदू गिरोह का सक्रिय सदस्य है। आरोपी की पहचान 28 वर्षीय अनिल जून पुत्र राजपाल निवासी मकान नंबर H34 गली नंबर 4G ब्लॉक प्रेम नगर नजफगढ़ के रूप में हुई। साथ में यह भी पता चला कि आरोपी अनिल जून आने वाले दिनों में लोगों में दहशत पैदा कर रंगदारी वसूलने के लिए वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपित की लोकेशन के बारे में पता करना शुरू किया। इसी दौरान टीम को पता चला कि आरोपित अनिल जून 15 और 16 अक्टूबर की दरमियानी रात धूलसिरस इलाके में आने वाला है। इसके बाद इंस्पेक्टर नवीन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम सतर्क हुई और धूलसिरस गांव में जाल बिछा दिया। लगभग रात 11:30 पुलिस टीम को एक मोटरसाइकिल पर धूलसिरस चौक पर अनिल आता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे सरेंडर करने का कहा, लेकिन उसने पिस्टल निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बुलेट प्रूफ जैकेट होने के चलते पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने अपने बचाव में गोली चलाई। इससे अनिल के दोनों पैर में गोली लगी और वो गिर पड़ा। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपित पर पहले भी लूट व आर्म्स एक्ट तहत मामला दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी त्योहार के दौरान वो लोगों को डरा धमका कर रंगदारी वसूलने की फिराक में था। साथ ही वह इस इलाके का सबसे बड़ा बदमाश बनना चाहता था। इसके लिए वो इलाके में हत्या की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पर छावला थाने में 5 मामले दर्ज हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।